दोस्तों आप सभी का स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं यहां पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का वजीराबाद फिजिकल जो ग्राउंड है, आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं। लगभग 7:24 का टाइम हो चुका है। सभी लड़के सेंटर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आज जो यहाँ पे प्रवेश था वो लगभग सुबह से ही लगातार प्रवेश हो रहा था, इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं लगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आगंतुक है सामने से, जो पहले जो कोई व्यक्ति जो साथ में आए हैं तो वो भी बाहर वेट कर रहे हैं, और फिजिकल देने वाले कैंडिडेट हैं वो लगभग अंदर जा चुके हैं। एक दो लड़के अभी भी है, वो कैंडिडेट हैं, अंदर जा रहे हैं फिजिकल के लिए। इसके अलावा आज जो भीड़ लगने वाली, जल्दी आने वाली, ऐसी कोई समस्या यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली। आराम से लड़के एकदम अंदर जाते रहे। जो पहले के दिनों में भाई भतीजावाद देखने को मिला था, जो मिलजुल के ऐसी गाड़ी में ओवर में अंदर पहले प्रवेश कर जाते थे, वो सिस्टम हटा दिया गया। नया जो नियम यहाँ पर लागू किया गया वो टिकट नंबर वाला है। अब आप जब अंदर जाएंगे तो पहले जाओ चाहे पहले बाद में जाओ, टिकट नंबर के अनुसार ही आपका फिजिकल होगा। तो आप ज़्यादा यहाँ पर 3-4 रात में आने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। तो जो भी साथी दूर दराज के इलाके से आ रहे हैं तो वो सुबह 5:30-6 तक भी यहाँ पर पहुँच सकता है। और आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस जो के पास में जो बस हैं वो यहाँ पर बस अंदर से बाहर जाती हुई, इस टाइप की बसें दिल्ली पुलिस के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे। लगभग पहला ग्रुप सभी ग्राउंड में बन चुका है, पहले बैच को रनिंग यहाँ पर लगभग स्टार्ट करवा दी गई है। 7:30 का समय हो चुका है, धूप ज़्यादा होती है इसलिए आजकल थोड़ा सा ये जो प्रशासन है ये भी थोड़ा जल्दी में सभी का जो है यहाँ पे फिजिकल रनिंग वगैरह है करवा देता है। लगभग ये सुनने में आया कि 9:30 तक सभी बैच की यहाँ जो रनिंग है वो करवा देते हैं। आज बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब भीड़ नहीं है। सुबह 7:24 का टाइम है, यानी कि लाइन में लगने वाला सिस्टम ही हटा दिया गया है। अब आप टिकट नंबर से ही रनिंग कर पाएंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा वो भगदड़ मचने वाला, वो मतलब कि भेदभाव करने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से समाप्त हो चुकी है। मैं राजूराम बेटा स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल से यहाँ पे लाइव प्रसारण आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों कोई भी समस्या आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।